आप बोले तो स्टार्ट कर सकते हैं। बाल सर, हाँ बलिराम सर, नमस्कार। आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का जो हम विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से तमाम श्रोतागण, आज के अतिथि डॉक्टर श्याम सुंदर फलोर जी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्रताप मन संचालक एवं राष्ट्रीय कवि हैं, बहुत ही ऊर्जावान वक्ता भी हैं, व्यंगकार हैं, कहानीकार हैं, साथ साथ में एक शिक्षाविद भी हैं। जैसे उनके नाम से ही सुंदर सुंदर उनके नाम में लगा है, उसी प्रकार से उनकी बहुत सी सुंदर रचनाएं हैं। आज का जो जो विषय है वो लक्ष्य, संकल्प एवं भारतीय संस्कृति। इस विषय पे बहुत ही ऊर्जावान वक्ता को सुनने के लिए हम विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी श्रोतागण अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूँ। मैं आप स्वागत भाषण के लिए प्रोफेसर बलिराम कुल्हारे जी से निवेदन करता हूँ, कृपया भाषण। नमस्कार आप सभी को। मैं सहायक प्राध्यापक बलिराम कुल्हारे विशिष्ट महाविद्यालय की तरफ से का स्वागत करता हूँ। इनके शैक्षणिक योग्यता MBA, MCOM, MPhil, PhD उपलब्धियों में इसके हास्य कवि, इसके साथ ही साथ लेखक और बहुत अच्छे प्रवक्ता भी है। वर्तमान में ये संस्कार महाविद्यालय के विभाग अध्यक्ष पद पर आसीन है। महाविद्यालय के विशेष अतिथि डॉक्टर SM अनस इकबाल सर का स्वागत करता हूं। साथ ही महाविद्यालय के विशेष अतिथि डॉक्टर नारायण सर का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ विशिष्ट महाविद्यालय के स्टाफ मेंबर सर का भी स्वागत करता हूं और विशिष्ट से जुड़े विद्यार्थी एवं शिक्षकगण उनका भी स्वागत करता हूं। आगे मैं निदेशक महोदय से ये कहना चाहूंगा कि वो पलोर जी के बारे में कुछ शब्द कहे एवं अपने विचार प्रस्तुत करे। विचार रखना पलोर जी के बारे में इस वक्त इस समय में बहुत ही कम समय है और उनके बारे में कुछ शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन मुशायरों का संचालन उन्होंने संभाला है। उनकी बहुत ही अच्छी कविताएं प्रसारित प्रचलित और प्रकाशित हुई हैं। हास्य कवि के मैदान में भी उनकी बहुत सारी हास्य रचनाएं आम तरीके से सुनी जाती हैं और श्रोताओं द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं श्रीमान डॉक्टर श्याम सुंदर फलोर जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज के इस विशेष कार्यक्रम में अपने शब्द। सर नमस्कार। करें शुरू? जी सर। सबसे पहले तो मैं विशिष्ट कॉलेज के आदरणीय अनस इकबाल सर का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे बड़ी ही आत्मीयता से जिस बार गुरु में भी कॉलेज में बुलाया था, उसी तरह इस बार फिर मुझे गेस्ट लेक्चर के लिए इनवाइट किया। मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मित्रों, बंधुओं, देवियों, सज्जनों, आज मुझे जिस विषय पर अपनी बात रखना है वो विषय है लक्ष्य, संकल्प और भारतीय संस्कृति।
मैं सिलसिलेवार एक अपनी स्टाइल में अपने तरीके से पहले इस विषय पर अपनी बात रखूंगा। इसके बाद ये भी अपेक्षित है कि यदि किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो उसके समाधान के लिए भी मैं तत्पर रहूंगा, प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, जहां से शुरू किया हमने लक्ष्य की बात से अपनी बात को शुरू किया, लक्ष्य के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं का आह्वान करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ जो बात कही, जो पूरे विश्व में लोग उसे बड़ी सम्मान के साथ आज भी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लक्ष्य भारतीय पौराणिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा, यदि कोई मुहावरा लक्ष्य को लेकर तयशुदा या कोई उक्ति या कोई बात होती है, तो वो बात द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख में तीर मारने का दृश्य लक्ष्य प्राप्ति का श्रेष्ठ प्रसंग है। जहां अन्य प्रतियोगियों को पूरी मछली दिखती थी, अर्जुन को घूमती हुई मछली की सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी और इसी कारण वह लक्ष्य संधान में सफल हो सके। इसलिए लक्ष्य के बारे में ये अर्जुन की मछली की आंख वाला संस्करण सर्वाधिक रूप से लोकप्रिय है। कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही व्यक्ति जो लड़ा नहीं। इसलिए हार और जीत के बीच का फासला लक्ष्य है। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे हुए लिफाफे की तरह होता है, जो कभी पहुंच नहीं सकता। इसलिए लक्ष्य का होना जीवन में बहुत जरूरी है। एक लक्ष्य एक समय सीमा के साथ देखा गया एक सपना है। अपने हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर कदम पर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। और आंखों में लक्ष्य को रखना यानी सपनों में लक्ष्य को रखना। स्वप्न तो हर कोई देखना चाहता है, लक्ष्य के लाभ से लाभान्वित भी हर कोई होना चाहता है, परंतु लाभ केवल वही पाता है जो हानि की परवाह किए बगैर आगे बढ़ जाता है। डर जिससे हार जाता है वही विजेता कहलाता है। लक्ष्य के बारे में ये जो बातें मैं आपके सम्मुख अभिव्यक्त कर रहा हूं, ये बातें बहुत प्रचलित बातें हैं, लोकप्रिय बातें हैं। कहीं ना कहीं दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने पूर्व में इन बातों को जिस तरह से कहा है, कहते आए हैं, उन्हीं का मैंने उल्लेख किया है। मेरे दृष्टि में लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले चार बातें होना बहुत जरूरी है। पहली बात सपना देखना, दूसरी बात चिंता करना, तीसरी बात काबिलियत रखना और चौथी बात आत्मसंतुष्टि। ये जो सिलसिलेवार चार बातों का मैंने आपके सम्मुख जिक्र किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक हम सपना नहीं देखते, वो सपना साकार नहीं कर सकते। और सपना देखना ही किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की पहली पायदान होती है। सपने तो दृष्टिहीनों को भी आते ही हैं, किंतु उनको दिखाई नहीं देता। बावजूद वो अपनी तीसरी आंख से, वो अपने त्रिनेत्र से उन सपनों को साकार करने में बेहद काबिल होते हैं, कारगर दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि उनका ज्ञान चक्षु अन्य दृष्टिवान लोगों की तुलना में कई गुना ज्यादा बेहतर होता है और वो उन सपनों को साकार करते हैं। सपनों के संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी और कही है। उनका मानना था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए लेते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यानी जागते रहने के लिए सपने देखना बेहद जरूरी है, सोते हुए सपने लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना जागते हुए सपने देखना जरूरी है।
और सपने तो कभी कभी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए, प्रतिपूर्ति के लिए भी कारगर होते ही हैं। और मुझे स्मरण है एक दृष्टांत, जब लक्ष्मण रामायण के काल में अपनी माता सुमित्रा के पास पहली बार तब गए, जब वो वन गमन के लिए जा रहे थे भैया और भाभी के साथ, माँ के चरण छुए, कहा कि माँ मैं भैया और भाभी के साथ वन गमन के लिए जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है वो उक्ति जो माँ ने कही कि तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम संग भांति सनेही। आज से राम और सीता ही तेरे माता और पिता हैं, तू स्वप्न में भी मेरा ख्याल मत करना। जैसे ही माँ ने कहा कि तू स्वप्न में भी मेरा ख्याल न करना, तो लक्ष्मण तुरंत बोल दिए कि माँ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सपने में भी आपका ख्याल नहीं करूं, क्योंकि सपने में तो वो भी होता है जो हम चाहते हैं, वो भी होता है जो हम नहीं चाहते हैं। यानी सपने में मन चाहा भी चलता है, सपने में अनचाहा भी चलता है। इसलिए माँ तेरा लखन शपथ लेता है कि 14 बरस सोएगा नहीं, वो सोएगा ही नहीं तो सपने ही नहीं आएंगे। इसलिए या तो जागते हुए देखे गए सपने साकार करने की सबसे बड़ी फलश्रुति है, इसलिए जागते हुए सपने लेने की बात डॉक्टर कलाम साहब ने बड़ी खूबसूरती से कही। अब मैं अगली पायदान पर आता हूँ। सबसे पहली चीज सपना देखो, लक्ष्य प्राप्त करना है तो सपना देखना बहुत जरूरी है। सपना देखने के बाद आपको चिंता करना चाहिए। एक बात जीवन में स्मरण रखें कि चिंता किसी भी सपने को पाने और लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहली पायदान होती है, सबसे महत्वपूर्ण पायदान होती है। देखिए, हम विद्यार्थियों की दृष्टि से लें तो जब परीक्षा आती है तब उनको परीक्षा की चिंता होती है। यूं साल भर हम तो वैसे भी वो उस देश के निवासी हैं जहां पर त्योहारों का देश है, हमारे यहाँ पूरे साल त्योहार चलते हैं। जुलाई में एडमिशन लेते हैं, कोई चिंता नहीं। बारिश का महीना है, अगस्त आते ही रक्षाबंधन आ जाती है, स्वतंत्रता दिवस आ जाता है, जन्माष्टमी आ जाती है। देश त्योहारों का देश है। मैं बहुत बड़ी अच्छी बात कई बार कहता हूँ कि इस देश की माताओं बहनों से पूछो कि आज क्या है, तो बोलेंगे आज एकम, फिर भाई दूज, फिर अखा तीज, फिर गणेश चौथ, ऋषि पंचमी, उपछठ, शीतला सप्तमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी, दोल ग्यारस, बज बारस, धनतेरस, रूप चौदस, सनत पुन्नम और दिवाली। बता कौन सा दिन खाली, इस देश में कोई दिन खाली नहीं है। सितंबर में गणेशोत्सव, 10 दिन गणेश जी की स्थापना करके हम बहुत शानदार तरीके से अपने नाच गाने करते हैं, और 11वां दिन आता है कि वो 16 श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। दिन में बेहतरीन खीर पूड़ी मालपुए खाते हैं, रात को लड़कियां मालवा में और निमाड़ में तो बहुत लोकप्रिय तरीका है 16 श्राद्ध मनाने का, रात को संजा मानती है, संजा तो सारा घर जाके थारीमा मारेगी कि कूटेगी। ये हमारा संस्कार है, इस संस्कार को जीते हैं। और 16 दिन खत्म हुए कि 17वें दिन से घट स्थापना, 2 दिन तक देवी की आराधना साधना, 9 दुर्गोत्सव, 9 ही दिन भर भूखे नंगे पैर माता जी के दर्शन करना और रात में गरबे खेलना, ये हमारा एक अनूठा संस्कार। और जैसे ही 9 दिन पूरे हुए कि अगले 10वें दिन दशहरा, रावण का दहन, और उसके बाद वासी दशहरा, उसके बाद दशहरा मिलन, और वो दिवाली के पास आते हैं कि माताएं कहती हैं कि चलो झाड़ू उठाओ और घर को झाड़ू, सफाई अभियान से शुरुआत होती दीपोत्सव की, फिर वो धनतेरस से तो वो दिवाली तक और अगले दिन पड़वा, उसके बाद फिर भाई दूज, ऐसा सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। जिस देश में त्योहारों के देश में एक भी दिन हमारा कहीं न कहीं मनोरंजन से, उत्सव से, उमंग से, उत्साह से विहीन नहीं रहता, उस देश में हमें चिंता ही नहीं रहती पढ़ाई की। और जैसे ही दिसंबर की गुनगुनी ठंड शुरू होती है, जनवरी आते आते ठंड थोड़ी बढ़ती है, हमारे देश के विद्यार्थियों को मार्च में होने वाली पढ़ाई की चिंता शुरू हो जाती है, और जो ही चिंता शुरू होती है पढ़ाई शुरू हो जाती है। यानी पढ़ाई की चिंता से पढ़ाई होती है,
लक्ष्य की चिंता से लक्ष्य प्राप्त होता है। सपना देखने के लिए भी चिंता करना जरूरी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बंधुओं कि चिता हम उसको कहते हैं जो मुर्दों को जलाती है, बड़ी है इसलिए चिंता क्योंकि वो जिंदों को जलाती है। इसलिए चिंता करने से जिंदा व्यक्ति भी चिंतित होकर किसी कार्य को करने की तरफ प्रवृत्त होता है। इसलिए कार्य करने की चिंता कार्य की सफलता का महत्वपूर्ण आयाम होता है। इसलिए चिंता जरूर करना चाहिए। एक बात और है, डेल कार्नेगी ने किताब लिखी है चिंता छोड़ो सुख से जियो, वो कभी मत पढ़ना। हर रेलवे स्टेशन पर मिल जाती है डेल कार्नेगी की दो किताबें, एक लोक व्यवहार, एक चिंता छोड़ो सुख से जियो। चिंता छोड़ो सुख से जियो अगर पढ़ लोगे तो आप निश्चिंत होकर प्रतिदिन घर में आराम ही करोगे। हर दिन आपका लॉकडाउन जैसा जाएगा क्योंकि चिंता होगी नहीं तो सुख से जीने की आदत हो जाएगी। चिंता करोगे तो सुख से जियोगे तो सही, लेकिन उससे सुख से जीने के पायदान की तरफ आगे बढ़ोगे। इसलिए डेल कार्नेगी की एक दूसरी जो किताब है लोक व्यवहार, वो जरूर पढ़िएगा क्योंकि लोक व्यवहार में हमारी दिनचर्या को, हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के बहुत सारे तरीके दिए हैं, आयाम दिए हैं। तो बहरहाल चिंता करना बहुत जरूरी है। अगली बात पे मैं आता हूं, काबिलियत रखना। किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमने सपना देखा, सपना देखने के बाद हमने उस चिंता की लक्ष्य को प्राप्त करने की, फिर काबिलियत रखना। अब ये महत्वपूर्ण बात है। एक बात जीवन में बहुत खूबसूरती से आप स्मरण रखें कि ये जो काबिलियत उर्दू का शब्द है ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है और जीवन में काबिलियत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाकाबिल लोग जीवन की धार में कहीं ना कहीं आगे न बढ़ते हुए रुक जाते हैं, उनमें स्ट्रगल्स, उनमें रेडल्स, ऐसे बाधाएं आ जाती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन काबिलियत जीवन को हमेशा ऊंची उड़ान में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आपने मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ मालवा में इंदौर में तो लोग पतंग उड़ाते हैं, इसमें भी एक बहुत खूबसूरत उक्ति बनती है क्योंकि पतंग कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। किस्मत साथ दे ना दे, यदि काबिलियत होती है तो हमारी किस्मत भी बदल जाती है। इसलिए किस्मत को बदलने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में काबिलियत का होना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। तीसरी पायदान काबिलियत की मैंने बताई। चौथी बात मैंने जो शुरू में कही थी, आत्मसंतुष्टि। एक बात ध्यान रखें बंधुओं कि आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन किसी भी करियर के निर्माण में, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है, अंश होता है। हमारे को हमारी स्वयं की संतुष्टि बहुत जरूरी है क्योंकि हम किसी कार्य को करने के लिए खुद अंदर से कितने उत्सुक हैं, अभिप्रेरित हैं, संतुष्ट हैं, यही उस कार्य को, यही उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि लक्ष्य एक दिशा है जो हमारी दशा तय करती है, यानी लक्ष्य की दिशा और दशा हमारी आत्मसंतुष्टि पर बहुत कुछ निर्भर करती है। और आत्मसंतुष्टि के बारे में मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी थ्री इडियट्स, उसमें तीन दोस्तों का वृतांत बताया गया है। इंजीनियरिंग करने जाते हैं, एक दोस्त जो है वो फोटोग्राफी करना चाहता था लेकिन उसके पेरेंट्स उसको फोटोग्राफी की तरफ नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, उसको इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। आपने बाकी तो फिल्म में देखा है कि उसका हर्ष क्या होता है, लेकिन उसकी आत्मसंतुष्टि फोटोग्राफी से थी, फोटोग्राफी में थी। इसलिए जीवन में एक बात ध्यान रखना, वही कार्य करने की तरफ बढ़ना चाहिए जो कार्य हमें आत्मसंतुष्टि देता हो, क्योंकि हमारी स्वयं की संतुष्टि हमारे कार्य की सफलता का सबसे बड़ा आधार होती है। और जिस तरह से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सपने देखना, फिर चिंता करना, फिर काबिलियत रखना, फिर आत्मसंतुष्टि, इस तरह से एक क्रमशः आगे बढ़कर जब हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्पबद्ध होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि संकल्प लेते हैं तभी कार्य पूरा होता है। भारत में तो हर बेहतर कार्य के पूर्व धार्मिक पद्धति से संकल्प लेना जरूरी हो जाता है। हमारे यहाँ
कोई अनुष्ठान करो, हिंदू रीति रिवाज से कोई कार्य करो, तो पंडित सबसे पहले हाथ में जल देता है, कंकु चावल डाल के संकल्प दिलवाता है। किसी भी अच्छे अनुष्ठान की प्रतिपूर्ति के लिए, उसकी सफलता के लिए, उस अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें संकल्पबद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संकल्प में बड़ी ताकत होती है। संकल्प में इतनी ताकत होती है कि कई संस्मरण संकल्पों की ताकत का उद्धरण बनकर हमारे सम्मुख खड़े हैं। एक 7 साल का बच्चा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर अमृतसर के उस स्थान पर जाता है जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वो देखता है कि जमीन पर लाशों के ढेर, दीवारों पर खून के निशान, कुएं में ठूस दी गई लाशें। वो दुखी होता है, द्रवित होता है, एक मुट्ठी माटी की उठाता है, एक बोतल में भरता है, सर पर धरता है और संकल्प लेता है, जब तक जनरल डायर से जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला नहीं लूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। 7 साल की उम्र में लिया गया संकल्प सरदार भगत सिंह 21 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते पूरा कर देते हैं। इसको कहते हैं संकल्प। भारत में एक पात्र हुए हैं छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में पादशाही की स्थापना का संकल्प लिया था। केवल 42 साल जिए वो, लेकिन पूरी बहादुरी से, पूरे जोश और होश के साथ उन्होंने संकल्प की प्रतिपूर्ति की। ये होती है संकल्प की ताकत। भारत में एक हुआ था महाभारत। महाभारत का कारण था कि द्रौपदी का दुष्ट दुशासन ने चीरहरण किया था। द्रौपदी ने संकल्प लिया था कि जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केशों का प्रक्षालन नहीं करूंगी तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगी। मित्रों, बंधुओं, आजकल की लड़कियों के तो 1-1.5 फुट के बाल होते हैं। उस जमाने में द्रौपदी के 14-14, 15-15 फुट लंबे बाल, वो 14 साल तक वन घूमी, वन गमन हुआ, लाक्षाग्रह हुआ, लेकिन बालों को बांधा नहीं, खुला ही रखा, क्योंकि संकल्प लिया था। आखिर में भीम ने दुशासन को चीरा और फिर द्रौपदी ने अपने बाल उसके खून से धोए, उसके बाद ही बालों को बांधा। इसको कहते हैं संकल्प। कहते हैं ना, माँ बड़ी ममतामयी होती है, पुत्र को छाती से लगाए रखती है, मगर वक्त आता है तो पुत्र को छाती से नहीं बल्कि पीठ पर बांधकर, दोनों हाथों में तलवार थामकर, घोड़े की लगाम को दांतों में दबाकर 1400 अंग्रेजों के नरबुंडों को काट देने में तनिक संकोच नहीं करती। ऐसी संकल्पवान नारी हो जाती है तो वो झांसी की रानी बन जाती है। इसलिए संकल्प में बहुत ताकत है। आपने पंजाब के एक महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना होगा। महाराजा रणजीत सिंह, बहुत साल पहले यदि आपको इतिहास की जानकारी है तो सोमनाथ का मंदिर तोड़कर सोना ऊंटों पर, हाथियों पर, घोड़ों पर लाद कर एक दुष्ट जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी, वो हमारे देश से लेकर गया। उसके 800 साल बाद पंजाब के राजा रणजीत सिंह की कानों तक एक कवि की पंक्तियां पड़ी कि सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे, और जिसने चाहा तुमको लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। अरे सदियों का इतिहास तुम्हारी कायरता की गाथा है, आर्य संस्कृति के पौरुष का कितना कलुषित माथा है। सहते सहते दुख आज तुम उस जगह तक आ पहुंचे जिसके आगे खतरे में पूरा विश्व तुम्हारा है। महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में, एक बार तो कहो भारतीयों, हिंदुस्तान हमारा है। जैसे ही ये लाइन उनके कानों में गूंजी वो बहुत क्रोधित हो गए, कुपित हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने अपनी सेना ली, कूच कर गए। 800 साल बाद जो गजनवी, मोहम्मद गजनवी सोना लूट कर ले गया था उसको वापस लेने के लिए निकल पड़े। 800 साल बाद 80 मन सोना वापस लाए। आज भी 40 मन सोना काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में लगा हुआ है और 40 मन सोना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लगा हुआ है। और तो और वो एक चंदन का दरवाजा भी लेकर आए, कोई उसे देखना चाहे
तो आज भी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में वो चंदन का दरवाजा सुशोभित है। इसको कहते हैं संकल्प। यहूदियों का आपने नाम सुना होगा, इज़राइल उनका देश, यरूशलम उनकी राजधानी, 1800 साल गुलाम रहे, दुनिया भर में फैल गए। हम सुबह उठते हैं, अभिवादन स्वरूप गुड मॉर्निंग करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, जय श्री राम कहते हैं, सुप्रभात कहते हैं, सलाम वालेकुम कहते हैं। ये हमारा अभिवादन होता है एक मित्र से दूसरे मित्र का मिलने पर। एक यहूदी दूसरे यहूदी से मिलता, अभिवादन में कोई बात नहीं करता, एक ही बात कहता, अगली बार यरूशलम में मिलेंगे, 1800 साल गुलाम रहे, दुनिया भर में फैले, शादी ब्याह जश्न पार्टी, जाम से जाम टकराते फोड़ देते, लेकिन एक ही बात, अगली बार यरूशलम में जश्न मनाएंगे। आखिर 1800 साल जैसे इज़राइल आजाद हुआ, दुनिया भर में फैले हुए यहूदी अपने मुल्क इज़राइल की राजधानी यरूशलम में इकट्ठा हो गए। आज भी 7 दुश्मन देशों से घिरा हुआ एक छोटा सा टापू देश है इज़राइल, मगर किसी की मजाल की कोई आंख उठा के भी उसकी तरफ देख ले, इसको कहते हैं यहूदियों की संकल्प शक्ति। संकल्प में बड़ी ताकत होती है मित्रों, और मैं तो यही बात कह रहा हूं कि संकल्प में जो ताकत है उस ताकत को आप अपनी ताकत बना सकते हैं। इसलिए संकल्प लेने की आदत हम में वो बहुत महत्वपूर्ण आदत, क्योंकि जब तक हमारे हम में संकल्प लेने की आदत नहीं होगी तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है। संकल्पबद्ध होकर किसी लक्ष्य की दिशा में बढ़ाया गया कदम सफलता की प्राप्ति तक रुकता नहीं है, ये सच है। और भारतीय संस्कृति भी यही सिखाती है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, जिस जो विश्व गुरु संस्कृति है, केवल इसी कारण विश्व गुरु संस्कृति है क्योंकि हमारी संस्कृति में सबको समाहित करने की ताकत है। हमें धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म निरपेक्षता भी हमारे देश की संस्कृति की खासियत है। हमने सभी धर्मों को अपने देश की संस्कृति में समाहित किया, इसीलिए किया क्योंकि हमारी अपनी संस्कृति सबको साथ लेकर चलने, सबका सम्मान करने, सबकी भावनाओं की कद्र करने और सबको किसी दिशा में अपने विचारों की स्वतंत्रता देने की काबिलियत रखने वाली संस्कृति है। वो संस्कृति जिसमें पत्थर तक को पूजित किया गया, जिसमें नदियों की पूजा की गई, झरनों की पूजा की गई पर्वतों की पूजा की गई, प्रकृति की संरक्षण की भावना जिस संस्कृति में अंतर्निहित है, दुनिया में निसंदेह इससे बड़ी कोई संस्कृति की सम्मान वाली बात नहीं हो सकती। जहां जहां पेड़ पौधों, जहां जीव जंतुओं की, यहां तक कि जहर उगलने वाले सर्प तक के प्रति हमारे यहाँ देव तुल्य भाव हमारी संस्कृति की खासियत है, इस संस्कृति की विशेषता है। अच्छा, इस देश में इतिहास इस बात का गवाह है कि सफलता का कारण और हमारी चुनौती हमारी संस्कृति है, क्योंकि दुनिया भर में जब कभी किसी आतताई ने, जब किसी दुष्ट ने हमारे देश में कदम रखा, इस देश के युवाओं ने बलिदान दिया, इस देश की संस्कृति का सम्मान करने के लिए लोगों ने बलिदान दिया। हमारा इतिहास है कि जब दिशा भूल इतिहास ठहर जाता है, जब आवारा बाताश कहर ढाता है, छुपता फिरता भूगोल कंदराओं में, आता भीषण भूडोल व्यवस्थाओं में, तब हमें बलिदानों का मार्ग बना है। ऐसी मेरे भारत की परंपरा है। हम ज्वालाओं में कमल खिलाने वाले, हम कालकूट पी कर मुस्काने वाले, हम बार बार मरकर जी जाने वाले, हम अनुशासित हैं किंतु नहीं कायर हैं, हम रण कौशल में महानिपुण माहिर हैं, तूफानों के हम पंख कतर देते हैं, हम मेघों पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जाने अनजाने में जब कभी युद्ध ठहरा है, परिणाम रहा कुत्ते की मौत भरा है, ये भस्मासुर जो हमसे ही बरपाए हैं हमको शायद समझ नहीं पाए हैं, हम प्राण हरण की कला जानने वाले, हम महाकाल से समझ ठानने वाले, हम बवंडरों की गोदी में पलते हैं और हम सूर्य के रथ पर चढ़कर चलते हैं। यह हमारी संस्कृति की विशेषता है, यह हमारे अपने देश की विशेषता है, जो सूर्य के रथ पर चढ़कर भी यदि किसी सम्मान की प्रतिपूर्ति में सदैव तत्पर रहता हो, जो चांद और सूरज की
पूजा करता हूँ, जो जो कहीं ना कहीं सितारों की भी महफिल को सम्मान देता हो, उस देश की संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम संस्कृति, सबसे बेहतर संस्कृति, और उस संस्कृति का सम्मान निसंदेह दुनिया कर रही है। आज भी आपने देखा होगा कि दुनिया के तमाम देशों से लोग भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए इस देश की सरजमी पर अपना कदम बड़ी सम्मान के साथ, पवित्र भाव के साथ रखते हैं। इस जमीन को, इस पवित्र माटी को नमन करने वाले, ऐसे तो हमारी संस्कृति का सम्मान करने वाले हमारे कई पुरखे, हमारे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस माटी का वंदन अभिनंदन किया, इस संस्कृति का सम्मान किया, इस देश की सम्मान के अनेकानेक ऐसी लोकोक्तियां हैं, ऐसी कई उदाहरण। इस मातृभूमि का, जब इस देश में आजादी का आंदोलन चलता था तो इस देश की पवित्र भूमि को नतमस्तक करने के लिए, इस मातृभूमि की वंदना करने के लिए, इस भूमि का सम्मान करने के लिए इस देश में ऐसे कई उदाहरण उस समय हुए हैं। एक बार सुभाष चंद्र बोस के पास एक अंग्रेज अधिकारी आए, वो अंग्रेज अधिकारी जैसे ही उनके पास आए, नेताजी ने बुरी तरह से डांटते डपटते उसे भगाया। वो जब जाने लगा तो नेताजी ने कहा रुको, वो जब रुका तो नेताजी ने अपने गले में टंगा हुआ गमछा निकाला और उसके जूते साफ किए। पास में खड़े हुए आजाद हिंद फौज के क्रांतिकारी ने कहा नेताजी ये आप क्या कर रहे हैं, जिसको अभी डांटते डपटते हुए भगाया आप उसके जूते साफ कर रहे हैं। तो नेताजी ने कहा ये जाता हो तो जाए, मगर मेरे मुल्क की पवित्र माटी को साथ में लेकर नहीं जाए। जो मुल्क की माटी का सम्मान करने वाला संस्कार जिस देश में है, वो देश सर्वोपरि है, वो देश सबसे महान है। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो की धर्म संसद में जब भारतीय संस्कृति के सम्मान की गौरव गाथा कहते हुए आए थे, मुझे स्मरण है जब उन्होंने वहां अपनी गौरव गाथा कही थी। आने के बाद सब भारत में समुद्र किनारे उतरते ही सबसे पहले समुद्र किनारे रेती पर लोट लगाने लगे। लोगों ने कहा स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा तनिक मुझे अपनी मातृभूमि से जरा गले तो मिल लेने दीजिए। वो संस्कृति का सम्मान, आप सबको स्मरण होगा स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो की धर्म संसद में अपना आख्यान शुरू करने वाले थे, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। उनकी बात शुरू होने के पहले ही उनके वस्त्रों को लेकर, उनके परिधान को लेकर अपने धर्म ग्रंथ का उपहास करते हुए लोगों ने मजाक उड़ाया कि देखा तुम्हारा धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता सबसे नीचे रखा हुआ है, हम दुनिया के लोग तुम्हारे देश को कितना सम्मान देते हैं इससे अभिव्यक्त होता है, हम लोग तुम्हारे देश को बहुत निचला मानते हैं। तब स्वामी जी ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए ये बात कही थी कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन्होंने ये कहा था कि जानते हैं हमारा धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता सबसे नीचे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इट इज द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड व्यू, ये विश्व विचारों की आधारशिला है, और जो नीम का पत्थर होता है वो सबसे नीचे होता है, सारी इमारत उस पर खड़ी होती है। इसलिए दुनिया के देश के लोगों हमारे संस्कारों से, हमारे विचारों से प्रेरणा लो, क्योंकि इस देश ने वो विचार, वो संस्कार दिए हैं जिसके पद चिन्हों पर चलकर सारी दुनिया सफलता प्राप्त कर सकती है। इसलिए इस देश की संस्कृति की तुलना किसी और संस्कृति से कभी और कदाचित नहीं की जा सकती। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो बहुत सारे ऐसे प्रेरक किस्से हैं जो प्रेरणा देते हैं। मैं नौजवानों की तरफ बढ़ाऊंगा इस बात को। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो से लौट रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे। रेलवे स्टेशन पर वो जब बैठे बैठे अपने परिधान में, अपनी तल्लीनता में थे, तब एक पत्रकार ने, चूंकि उनकी ख्याति पूरे दुनिया में हो गई थी, एक पत्रकार उनके पास आया। पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया स्वामी जी आपका गुरु कौन है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने अधरों पर मंद मंद मुस्कान बिखेरी, अपने चक्षुओं को बंद चालू किया और दीवार पर टंगी हुई घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा वॉच। पत्रकार ने कहा स्वामी जी बात समझ में नहीं आई, ये घड़ी तो एक जड़ वस्तु है, ये भौतिक वस्तु आपका गुरु कैसे हो सकती है। स्वामी जी ने कहा कि वॉच मेरा गुरु है, क्योंकि वॉच का पहला अक्षर होता है W, यानी वॉच योर वर्क। दूसरा अक्षर होता है A, यानी वॉच योर एक्शन। तीसरा अक्षर होता है T, यानी वॉच योर थॉट्स। चौथा अक्षर होता है C, यानी वॉच योर कैरेक्टर। और आखिरी अक्षर होता है H, यानी वॉच योर हैबिट्स।
जो आदमी अपने वर्क को, अपनी एक्शन को, अपने थॉट्स को, अपने कैरेक्टर को, अपनी हैबिट्स को स्वयं देख लेता है, दुनिया में उससे बड़ा उसका कोई गुरु नहीं हो सकता। ये भारतीय संस्कृति है जो हमें ऐसी प्रेरणा देती है जिसमें कार्य के प्रति, वर्क कल्चर के प्रति हमारी समर्पण की भाव हो, जिसमें एक्शन यानी अपनी आदतों के प्रति समर्पण का भाव हो, जिसमें थॉट्स यानी विचारों में समर्पण का भाव हो, जिसमें कैरेक्टर यानी चरित्र का समर्पण हो, और जिसमें हैबिट्स यानी हमारी आदतों का समर्पण हो, निसंदेह ऐसी संस्कृति सम्माननीय संस्कृति है, स्तुत्य संस्कृति है, सर्व स्वीकृत संस्कृति है, और दुनिया इसीलिए हमारी संस्कृति को नमन करती है, सम्मानित करती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में देखिए, भारत की संस्कृति का उत्थान इस देश के युवाओं के कंधों पर टिका हुआ है। ये बात सच है कि इस देश के युवाओं के द्वारा ही भारतीय संस्कृति का संरक्षण हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है मित्रों, बंधुओं, देवियों, सज्जनों, कि आज दुनिया में भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। भारत की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी 40 साल से कम उम्र के लोगों का है, यानी युवाओं का है। और युवाओं से परिपूर्ण ये देश जहां युवा शक्ति है, क्योंकि शक्ति वही होती है जो उनकी संस्कृति का सम्मान करने के लिए, उनकी संस्कृति की पैरवी करने के लिए अपने विचारों, आचारों और तमाम सारे आदान प्रदान और रहन सहन के साथ परिलक्षित होती वो संस्कृति। तो हमारी संस्कृति तो इस देश का युवा ही अब आगे बढ़ा सकता है, उनसे उम्मीदें हैं। उम्मीद इसलिए है क्योंकि बंधुओं, युवा शब्द के अक्षरों को उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है। जैसे वायु वातावरण में भ्रमणशील होती है, पूरब की परिपक्वता से लगाकर पश्चिम की पुनर्रचना तक, उत्तर की उत्तरापेक्षा से लगाकर दक्षिण की प्रदक्षिणा तक, युवाओं का साम्राज्य है। युवा केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं बल्कि युग निर्माता भी साबित हो रहा है। युवा क्रीडांगन का सिरमौर ही नहीं बल्कि सम्रांगन का रणवाकुरा भी है। युवा कल्पना और सुनीता के रूप में अंतरिक्ष विजेता ही नहीं बल्कि AR रहमान के रूप में वंदे मातरम का नया सांगीतिक उद्घोष भी है। युवा युवराज के बल्ले का विस्फोट ही नहीं बल्कि मित्तल की लोहा मनवाती चोट भी है। और युवा कारगिल पर लहराता तिरंगा ही नहीं बल्कि विश्व सुंदरी का ऐश्वर्य ताज भी है। और ऐसे युवाओं पर हमको नाज भी है। ऐसे युवाओं के लिए कहना चाहता हूं कि विचारों के उबलते हुए ज्वालामुखी का लावा है युवा, शक्ति के दुग्ध की तपन से तपा हुआ मावा है युवा, सोए हुए सांप को छेड़ने की फंकार है युवा, स्वर संगीत और वाद्य की वीणा की झंकार है युवा, एवरेस्ट से ऊंची चट्टान है युवा, गह्वर से गहरी खान है युवा, सागर के ज्वार भाटों और थपेड़ों से युक्त तूफान है युवा, और असंभव को संभव बना देने का आह्वान है युवा। हर असंभव कार्य को यदि कोई संभव बना सकता है तो वो युवा है, जो हमारे देश की संस्कृति को फिर से पुनर्स्थापित करने में, क्योंकि जो पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति धीरे धीरे युवाओं के माध्यम से इस देश में प्रविष्ट हो रही है, उस पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति को समूलतः नष्ट करने में इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी शक्ति लगेगी। क्योंकि युवा में जैसे लक्ष्य की बात कर रहा था, युवाओं में लक्ष्य को पाने की भी ताकत है। भय जहां हो श्लेषना, उदात्त वीर चेतना, बढ़े कदम चढ़े कदम, वो लक्ष्य जिसकी कामना, राह कंठ हो भले जो कष्ट का हो सामना, चुभे हो शूल या त्रिशूल, दर्द का हो नामना, ऐसा होता है युवा। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि युवाओं में थोड़ी सी फिल्मी संस्कृति ज्यादा प्रविष्ट हो गई है, पाश्चात्य संस्कृति ज्यादा प्रविष्ट हो गई। उसका कारण है, हमारे जमाने में हमको सिखाया जाता था कि गांधी बन, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं और सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। और आज का युवा कहता है कि माँ जींस की काली पेंट दे दे, मैं हीरो बन जाऊं और छात्राओं के बीच बैठकर इलू इलू गाऊं। ये फिल्मी संस्कृति का हुआ। हमारे जमाने में कहते थे कि कबीर बन, जात न पूछो साधो की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ी रहन तो ज्ञान। और आज का बच्चा सीखता है कि पढ़ाई लिखाई मत पूछिए और पूछो फिल्मी ज्ञान, कौन फिल्म में माधुरी और किस में शाहरुख
स्थान, ये आज के युवा की स्थिति है। हमारे जमाने में कहते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, और आज का युवा सीखता है कि गुरु और चेला दोनों तालाब पर नहाने जाए। सच्चा शिष्य वही जो गुरु के कपड़े उठाए और भाग जाए। ये आज हमारे हमको सिखाया जाता था कि ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, और आज का युवा सीखता है कि तू ही मेरी माधुरी और तू ही सलमान खान। ये स्थितियां, ये हमको कहते थे कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, अस्तो माँ सदगमय, असत्य से सत्य की ओर बढ़ो। और आज के युवा से भी पूछ लो कि बता तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या होता है, तो बोलेगा कि तुम्हारी माँ ज्योति के साथ गई। यानी इस प्रवृत्ति, इस संस्कृति का जो कहीं ना कहीं पराभव हुआ है। ये फिल्मी संस्कृति क्या है, फिल्मों में कुछ भी गाने आ जाते हैं, उसका कोई अर्थ तो होता नहीं है। वो एक पिक्चर में माधुरी दीक्षित ढाई ढाई फीट उछल उछल के गाती, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया। हमने कहा इसमें उतना उछलने कूदने की क्या जरूरत है, सबके पिया घर पर आते हैं, किसका पड़ोस में जा रहा है, और जब पिया ही था तो घर ही क्यों आया, वहीं सो जाता। वो एक पिक्चर में गाना आता, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, और कहीं उसने पलट के कह दिया नाम है मेरा चप्पल, तेरा गाल तो बता। ये स्थितियां है, तरह तरह गाने आते, कोयल सी तेरी बोली, सूरत है तेरी बोली। हमने कहा सिर दुख रहा है तो ले जान की गोली, कुछ भी गाना आ जाता, चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल। हमने कहा कि तपते तवे पे सेक दे रोटी और परोस दे दाल, और कल्पना करो चांदी जैसा रूप हो, सोने जैसे बाल हो, और यदि इस देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हो तो पता ही नहीं चले कि किस महिला के केश किस देश में गिरवी रखे। ऐसी स्थितियां, ये फिल्मी संस्कृति, ये पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं को पथ भ्रष्ट कर रही है। मेरा आह्वान है इस देश के नौजवान साथियों से, इस देश की उस शिक्षक शक्ति से जो कहीं ना कहीं इस पथ भ्रष्ट होते नौजवान को सही दिशा में, सही मार्ग पर पथ पर कर सके। क्योंकि देखिए, आप लोग तो शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ, आपकी और मेरी एक ही प्रेरणा है कि डरो मत, मैं मुश्किलें आसान बना सकता हूँ, मैं एक शैतान को भी इंसान बना सकता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मुझको दौलत से क्या मतलब, मैं पत्थर को भगवान बना सकता हूँ, जो पत्थर को तराश कर भगवान की मूर्ति के रूप में गढ़ने का काम करता है, ऐसा सुधी शिल्पकार शिक्षक होता है। इसलिए इस देश की संस्कृति की रक्षा का सबसे बड़ा दारोमदार इस देश के शिक्षकों पर है, अध्यापकों पर है, अध्यापन क्षेत्र में लगे हुए लोगों पर है, और वैसे भी नौजवानों को सही दिशा पर, सही मार्ग पर ले जाने का कार्य आपका हमारा ही है बंधुओं। इसलिए हम अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु तत्पर रहें और लोगों को अभी प्रेरित करते रहें, तब जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जब किसी संकल्प की प्रतिपूर्ति करते हैं। हमारी संस्कृति की रक्षा का भी संकल्प है और हमारी संस्कृति भी हमारा संरक्षण भी हमारा लक्ष्य है। इन तमाम लक्ष्यों को, अपने संकल्पों को, अपनी संस्कृति के संरक्षण के साथ शिरोधार्य करते हुए नमन करें। निसंदेह कल का दिन, कल की प्रभाति हमारे देश की उजली प्रभाति होगी। इस परिस्थिति के विकट काल में भी निसंदेह भारत ने दुनिया को इस बात की सीख दी है, हमारी संस्कृति के कारण ही, कि हम आज भी विश्वगुरु हैं और कल भी विश्वगुरु थे। हम दुनिया में लघु नहीं है, गुरु हैं, और गुरु होने से ये सच है कि ये बात प्रतिपादित होती है कि दुनिया को विपरीत परिस्थिति में भी हम प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह, अनुरोध, ऐसा दुनिया में हर काम हम अपने आप से शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है। दुष्यंत कुमार ने बहुत खूबसूरत लाइन कही, मैं उस लाइन से अपनी बात को समाप्त करूंगा। दुष्यंत कुमार जी ने अपने आप से काम शुरू करने के लिए कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि हर बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए अगर लाश चलनी चाहिए, फकत हंगामा करना मेरा मकसद ही, मेरी बदलनी चाहिए। तेरे सीधे में ना सही, मेरे सीधे में सही, वो आग लेकिन चलनी चाहिए, वो कहीं भी आग लेकिन चलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।
सर बहुत बहुत धन्यवाद, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर धन्यवाद, आपके भाषण ने एक नई ऊर्जा दे दी, खासकर इस लॉकडाउन के टाइम पर। सर आपके एक एक शब्द एक एक वाक पूरे मस्तिष्क में समा गए, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग आपसे बहुत सारी प्रेरणा लेकर के कुछ अच्छा काम कर पाएंगे समाज के लिए, देश के लिए। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है लास्ट में मेरी तरफ से पर्सनल। सर उम्मीद करता हूँ शायद आपने इस लॉकडाउन को लेकर के, कोरोना को लेकर के, आज की परिस्थितियों को लेकर के कुछ जरूर कुछ कुछ आपकी रचनाएं होंगी, तो अगर दो चार लाइन आप साझा कर दें तो बहुत बेहतर होगा, और बहुत धन्यवाद आप। सर स्वाभाविक वृत्ति है कि राष्ट्रीय स्तर का हास्य का कवि हूँ, तो कहीं ना कहीं हर वक्त हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए, अपनी रचना धर्मिता का निर्वाह करने के लिए लगा रहता हूँ। अभी आकाशवाणी से मेरा एक कार्यक्रम प्रसारित किया तो उनके लिए मैंने एक पैरोडी लिखी, उसके बाद फिर एक टीवी चैनल है उन्होंने मुझे कहा, मीडिया वाला ने, तो भी मैंने एक हास्य की व्यंग की रचना लिखी, और एक जगह मैंने हास्य की रचना लिखी। अब आप यदि कहें तो मैं एक हास्य व्यंग की रचना या एक पैरोडी, दोनों में से कोई एक चीज सुना देता। सर आप हास्य के सुना दीजिए। सर हास्य की रचना सुनूंगा, लेकिन कम से कम डेढ़ से दो ढाई मिनट की रचना है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर। समय की कोई पाबंदी नहीं सर। रचना में कोई कटौती करो तो मैं हास्य व्यंग की एक रचना सुना रहा हूँ सर। ये रचना मैंने उस उद्देश्य से लिखी कि मैंने जैसा अपनी संस्कृति का बखान किया, उस तरह से हम कामयाबी को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे देश देखिए होंगे कामयाब, ऐसे गीत लिखते हैं जिसमें हम होंगे कामयाब। तो मैंने भी हम होंगे कामयाब को लेकर एक हास्य व्यंग की रचना लिखी है, क्योंकि हास्य का कवि हूँ। तो देखिए सर दुनिया में जी सर बच्चा जन्म लेते ही रोना तो सीख जाता है, लेकिन हंसना तो हंसना वो परवरदिगार वो परमात्मा की वो सबसे बड़ी हमारे कुदरत की दी हुई वो देन है जो इंसान को ही मिली है। हंसने का वरदान परमात्मा ने केवल इंसान को दिया है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है क्या? आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? आदमी यदि हंसना बंद कर दे तो समझ लेना वो गधा हो गया है, और औरत यदि मुस्कुराना बंद कर ले तो समझ लेना कि वो भैंसत्व की ओर प्रयाण। इसलिए हंसते हुए रहे, हंसते हुए कटे ये जिंदगी तो अच्छा है, क्योंकि आंसुओं में गम नहीं बहा करते, और गम के बादल छटेंगे तो खुशी आएगी, क्योंकि सुख संग नहीं करते। इसलिए हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, जिंदगी भी हमें यही सीखता। तरह तरह के टेंशन लोग ले लेते हैं, हर छोटी छोटी बात का टेंशन ले लेते हैं, काय को टेंशन पाले यार, हंसते हुए रहे। अब वो टेंशन तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि मेरा एक मित्र है, उसके घर गया, उसका छोरा माथे पे हाथ धर के बैठा, मैंने कहा क्या हुआ रे तेरे को? बोलो नहीं सर मैं एक टेंशन में हूँ। मैंने कहा किस बात का टेंशन है? नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले जब दही बना होगा तो तरह तरह की टेंशन। वो एक देवास में मेरा एक दोस्त है, उसके घर गया, उसका छोरा भी ऐसे ही तनाव में। मैंने कहा तेरे को किस बात का तनाव? बोले नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले घड़ी बनी होगी तो टाइम किससे मिलाया होगा। अब हमारे घर के पास जुम्मन चाचा रहते हैं, वो उधर से निकला, मैं माथे पे हाथ धर के बैठे, मैंने कहा चाचा क्या हुआ? अरे बोले यार डॉक्टर साहब एक ने एक दिन सबको मरना है। मैंने कहा बात तो सही है, जो बना है वो फना है, पर तुम किस बात का टेंशन पाल रहे हो? बोले नहीं मैं ये सोच रहा था कि जो आखिरी में मरेगा उसको कब्रिस्तान कौन लेके जाएगा यार। तो तरह तरह की टेंशन लोग पाल लेते हैं, हम टेंशन में न रहे, अटेंशन, क्योंकि कोई कवि कहता है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कुछ लोगों को देखकर लगता है ये जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए हंसते खिलाते रहो मित्रों, क्योंकि क्या है कि डॉक्टर अनंत इकबाल साहब ने मुझे आपको हंसाने का ये मौका दिया है, और रुलाने के लिए तो आपके सगे रिश्तेदार ही काफी है। इसलिए हंसते खिलाते रहो, हम कामयाब कविता जो हास्य व्यंग से जुड़ी हुई है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। हंसाने वाला जो कवि होता है ये उसका दूसरा ट्रैक है, जो मैंने भाषण दिया वो मेरा पहला ट्रैक था, क्योंकि मैं जितना पहले रहा कवि बाद में बना। इसलिए अब कवि सम्मेलन की बात अब आपके बीच रखता हूँ कि हम होंगे कामयाब कविता का शीर्षक सिटी वन फोर टाउन। शुरू करता हूँ अपनी बात, सिटी बंद और खुला टाउन है,
देश भर में ऐसे ही लॉकडाउन है, घर में बेगम कम पढ़ाती है, झाड़ू नहीं ताड़ो तो त्योरिया चढ़ाती है, सुबह उठती की तो चाय बना रहा हूँ, बीबी बेड पर खिला रहा हूँ, प्याज काटते काटते रो रहा हूँ और मांझने के बाद बर्तन धो रहा हूँ, काम करते करते क्रोध भगा दिया। देखिए मैं बहुत अच्छी बात व्यंग के रूप में करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ चार संस्कार है, काम क्रोध लोभ मोह, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। काम करते करते क्रोध भगा दिया है, लालच ने मोह जगा दिया है, घर में पड़े पड़े जिंदगी जाम हो गई है कोरोना के कहर से। झंडू बाम हो गई है कोरोना के कहर से, झंडू बाम हो गई है। और देखिए व्यंग व्यंग कैसे आगे बढ़ता है, पुलिस ने बे मास्क मुंह पर फाइन कर दिया चपटी नाथ की पत्नी की क्वारंटाइन, चपटी नाथ की पत्नी की क्वारंटाइन कर दिया। अरे दुनिया भर में कोरोना चीन का ही संताप है, अब तो शक्कर को भी चीनी कहना पाप है, अब शक्कर को भी चीनी बोलना पाप है। घर में रहकर पत्नी के ताने भी गाली हो गए, दाल चावल के साथ नमकीन के डब्बे खाली हो गए, शाम को छत पर जाकर पड़ोसन से आंखें सेक रहे हैं, टीवी पर रामायण और महाभारत देख रहे हैं, और 3 दिन में 200 GB नेट का भंडार खाली है। अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में सूट डाली है, अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में सूट डाली है, कचरा गाड़ी में कचरा डालना भी एक टास्क है, भगा दे तो यदि हम घर में हैं। अब अगली बात, हम घर में हैं पर जो नहीं दिन रात सोया है, वायरस के मुकाबले की तरकीब में खोया है, हम बेफिक्र हैं क्योंकि हम सबकी उसको चिंता है, दुनिया भर में सूझबूझ से मशहूर हमारा नेता है, जिसने टीवी पर आकर कहा देशवासियों जान जान है, करोड़ों राज करने वाले मोदी जी आप हैं, जिनकी तिजोरियों में बंद दौलत पड़ी है, उन्हीं के घरों में रखी लाशें सड़ी है, मरने वालों के रिश्तेदार तक करीब नहीं हो रहे हैं, अच्छे अच्छों को मौत पर चार कंधे तक नसीब नहीं हो रहे हैं, दुनिया के अमीर देशों में मौतें तक की थमी है, दफनाने के लिए जगह और ताबूत की कमी है, संकट के दौर में भारत ही समय पर जागा है, तभी तो संतम कहर दूर भागा है, सोचो मैं अपने भी गैर दिखाई देते, घरों में बंद नहीं होते तो लाशों के ढेर दिखाई देते, देश भर में नाकेबंदी कर इस महामारी को भगाया है, मुखिया ने ही 125 करोड़ के कुंबे को जगाया है, संकट को अब भी हम अपने पास नहीं आने देंगे, दूर दूर रह लेंगे लेकिन अपनी सांस नहीं जाने देंगे, जीत लेंगे जंग पूरी, तुम देख जनाब साथ तो भले पर हम क्या हम होंगे। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, लाजवाब सर। अब मैं तमाम श्रोताओं से कहूंगा अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो सर से पूछ सकते हैं। जिस भी पार्टिसिपेंट को कुछ पूछना है वो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके सर से क्वेश्चन पूछ सकता है। हेलो सर। सर वीडियो चालू कर लूं मेरा? हेलो सर नमस्ते, माय नेम इज रितेश यादव फ्रॉम विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ओके सर, मुझे मतलब आपका जो लेक्चर सब बहुत अच्छा लगा, मैं बात बार पे कमेंट भी कर रहा था, मैं रोक नहीं पाया, मैं इंतजार ही कर रहा था कि मेरे को कब मौका मिले आपसे मतलब बात करने का। धन्यवाद बेटा। तो सर आपका मतलब लेक्चर इतना मस्त लगा, आपने जो चुनौतियों के ऊपर बोला मुझे बहुत बढ़िया लगा, चुनौतियों का, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड में मुझे भी बहुत टेंशन हो गया था कि एग्जाम वगैरह भी नहीं हो पाए और बहुत सी क्लासेस भी अगर बंद हो गई थी मेरी, तो
तो उस वजह से मैंने सोचा मैंने कि क्या करे वो समझ में भी नहीं आ रहा था। बट मैं अनस सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये लेक्चर रखा और हमको मतलब इस लॉकडाउन पीरियड में एक मतलब अच्छी चीज है मतलब प्रोवाइड करी। कल अभी बीच में इंसेंबल और बहुत सारे ये एड थे, ऑनलाइन वाला सिस्टम था सर, बहुत बढ़िया लगा मुझे और मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। कुछ प्रश्न हो तो करो बेटा। नहीं सर, बाकी कोई प्रश्न नहीं था, मैं फीडबैक देना चाह रहा था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, धन्यवाद। थैंक यू सर। किसी और को कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा जो सर से बात करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है? जी सर। यश्री जी नमस्कार सर। यश्री दुबे, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से। कैसी हो यश्री? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? मैं सर अच्छी हूँ। सर प्रथम सर कोटि कोटि धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला उपस्थित हुए हमारे बीच, और सर अपनी बात को इतनी खूबसूरती और हमें जोश से भर दिया है सर, और आपकी वो जो हास्य कला है सर उसने भी हमारा पेट बहुत दुखाया सर। अगेन सर थैंक यू सो मच सर। सर मैं क्वेश्चन पे आना चाहूंगी, जैसे कि सर आपने बताया कि चार चरण आपने बताए सर, प्रथम स्वप्न, फिर चिंता, एक जो अपनी कर्तव्य निष्ठा काबिलियत की आपने बात की, देन आपने बात की आत्मचिंतन की, तो सर आप ये जो काबिलियत और कठिन परिश्रम और सफलता इन तीनों को कैसे देखते हैं सर? काबिलियत, कठिन परिश्रम और सफलता, जी जी जी, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। काबिलियत उसी को मिलती है जो कठिन परिश्रम करता है, और काबिलियत जिसके पास होती है उसको सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि जो नाकाबिल लोग होते हैं वो असफल होते हैं, और नाकाबिल वही होते हैं जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप परिश्रम करोगे तो आप में काबिलियत होगी, और आप में काबिलियत होगी तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में यदि आप सतत मेहनत करते जाएंगे, परिश्रम करते जाएंगे, तो बोलते ना करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो काबिलियत तो आई जाएगी। जब पत्थर पर भी रस्सी बार बार घिसने के बाद अपने निशान छोड़ देती है तो इंसान के मन मस्तिष्क और हृदय पर तो उसके निशान पड़ते हैं, और वो सफल हो जाता है जब उसमें काबिलियत आ जाती है। जी सर थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा सर। अगेन सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, थैंक यू। ओके, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। और कोई? हेलो आनंद सर। जी सर। मैं शैलेंद्र मिश्रा, स्कूल ऑफ कॉमर्स। यस सर, नमस्ते सर। भाई फलोर सर, आपके बारे में काफी समय से सुना था, आज सुनने का मौका मिला, उसके लिए तो धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है शैलेन जी। आप और आप मैं बढ़िया हूँ बस। कहाँ पर है आजकल शैलेन जी? स्कूल ऑफ कॉमर्स में हूँ मैं। मैं एक्चुअली सिर्फ थैंक्स देने आया हूँ विशिष्ट टीम को कि उन्होंने सतत में देख रहा हूँ कंटिन्यू। ये मेरे ख्याल से 8th सेशन है सर आपका, और सर। इस सेशन में आपने बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर बुलाया, 2-3 तो मैं भी अटेंड किया हूँ, और एक ये भी है, ये तो इतना एनर्जेटिक लगा कि सबको हंसी भी आ गई, मजा भी आ गया, एंजॉयमेंट भी हो गया, और कई ऐसी जीवन की मूलभूत चीजों को भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। एक चीज थोड़ी सी मेरे को कहीं ना कहीं टच करती है, वो ये है कि जैसे आपने कहा कि कई लोगों में कुछ ऐसी काबिलियत होती है कि वो मेहनत से अर्न कर लेते हैं, लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसी डिग्निटी भी है जो शॉर्टकट तरीके से बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच गई, तो इसको हम किस नजरिए से देखें? देखिए शैलेंद्र जी, जीवन में शॉर्टकट तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल सही है। और जो छोटे रास्तों से किसी सफलता के कदम को प्राप्त करते हैं, सफलता की तरफ बढ़ते हैं, वो ये समझ लीजिए कि किसी नसीब की वजह से ही वो किसी मुकाम तक हैं, ये मान के चले। क्योंकि एक पिक्चर में एक डायलॉग था जिसमें वो शाहरुख खान कहते हैं कि मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि दो रास्ते, जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, पहले रास्ते में शुरू शुरू में बहुत कांटे होंगे,
लेकिन आगे जाओगे तो उसमें कुछ सफलता मिलेगी। दूसरे रास्ते में शुरू शुरू में बहुत अच्छी चीजें मिलेगी, अच्छे मार्ग, सुगम मार्ग मिलेंगे, लेकिन आगे जाओगे तो बहुत कठिन रास्ता हो जाएगा। तो जितने लोग शॉर्टकट को अख्तियार करते हैं, स्वीकार करते हैं, यदि उनमें काबिलियत नहीं होती है, यदि उनमें गंभीरता नहीं होती है, तो कालांतर में वो शॉर्टकट उनके लिए कई बार कष्टप्रद हो जाता है। इसलिए मिश्रा जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि शॉर्टकट तो सूझबूझ से ही प्राप्त किया जा सकता है। हम जब गणित पढ़ाते हैं ना, तो कई टेक्निक्स ऐसी होती है जो शॉर्टकट होती है, सवाल को सरलतम बना देती है। तो उसमें ऐसी सूझबूझ है, वही काबिलियत है, तो वो शॉर्टकट कारगर है। और यदि उसमें सूझबूझ नहीं है तो वो शॉर्टकट किसी काम का नहीं। हम मतलब उसमें सूझबूझ कनेक्ट है उसको आगे बढ़ाने में। देखिए क्या होता है, किसी किसी के काम को, किसी किसी को काम लेंदी तरीके से करने की आदत होती है, बड़ा देरी से, बड़े घिस पीट के, और किसी किसी को स्मार्ट तरीके से, इसको स्मार्ट वर्क कह सकते हैं हम, शॉर्टकट को स्मार्ट तरीके से काम को करने की आदत है, वो जल्दी जल्दी किसी कुशलता के साथ किसी कार्य को कर सकता है। ये उसकी दक्षता है, ये उसकी कुशलता है, ये उसकी काबिलियत है। तो इसलिए काम को क्षमता के अनुरूप दक्षता के साथ करना, ये कहीं ना कहीं शॉर्टकट हो सकता है, मगर ये काबिलियत के साथ होता है, ये उसका आधार है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद पलवर सर जी। और सर, संगीता मैम शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी संगीता मैम। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका। सर, आपका आत्मचिंतन का जो वॉच वाला एनालिसिस था, हमें बहुत पसंद आया और बहुत ही प्रेरक उद्बोधक रहा आपका जी। सर, निवेदन करते हैं अगली बार थोड़ा सा जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि हम आपके कोई भी सेशन ना छोड़ सके, सब में ज्वाइन होना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी मैडम, थैंक यू। कैसे हैं आप संगीता मैडम? ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया, कहाँ है आजकल? सर कॉलेज में, वही चल रहा है अपना परमानेंट जॉब। चलिए बढ़िया। सर आपकी कविता बहुत अच्छी थी लॉकडाउन वाली। वाह, अभी तो यही सब चल रहा है मैडम कहीं ना कहीं। बहुत बहुत बधाई आपको, हाँ बहुत अच्छा रहा आपका। धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद मैडम। और कोई, एनी मोर पार्टिसिपेंट हु विश टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, I think now I request, मैं अब प्रोफेसर योगेश कुतारे अनुरोध करता हूँ कि वो धन्यवाद प्रस्ताव। हेलो हेलो रॉबिन सर, आवाज आ रही सर? आवाज आ रही सर? आ रही सर। नमस्कार, मैं सहायक प्राध्यापक योगेश वकारे, विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नवीन नारंग सर एवं एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर एस एम अनंत सिकबाल सर एवं पूरी विशिष्ट टीम की ओर से हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि वक्ता प्रख्यात कवि डॉक्टर श्याम सुंदर पलोट सर का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें अपनी कविताओं एवं विचारों से हमें मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि सर आप भविष्य में भी इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें मार्गदर्शित करते रहेंगे एवं यह ऑनलाइन मंच प्रदान करने के लिए एकेडमिक हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन नारायण सर एवं एकेडमिक डायरेक्टर इकबाल सर का भी हृदय से धन्यवाद दूंगा एवं अंत में सभी छात्राओं एवं शिक्षक गणों का भी हृदय से धन्यवाद दूंगा कि अपने प्रश्नों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी का धन्यवाद एवं अंत में आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर, आपने बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।